सुना था कि क्या आपसे रखी थी हमने की फिर 5 महीने सैलरी की स्टार्टिंग में हम एक और बात की सैलरी आ जाएगी, हमने उम्मीद रखा हमारे मुख्यमंत्री जी से और फिर भी हमने काम किया। और आज जाके पूछ लेना, हर घर में हम गए, वैक्सीनेशन का टारगेट पता था, संडे को फोन आता था कि आज आपका टारगेट है 250 इंजेक्शन लगाने जी। अरे भाई हम कहाँ से लगाते थे, आज एक इंजेक्शन ही लगा। आप कहाँ गया वो टारगेट, मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने बोला था, डॉक्टर जी से पूछा था, कितने लोगों ने निर्देश दिया था कि जी इंजेक्शन लगने चाहिए, किसी एक बच्चे के मुझे साबुन चारिया गंगानगर में दिखा दो कि जो हमने टारगेट पूरा किया था कि एक भी टारगेट पूरा हो कल की डेट में। मैं कलेक्टर महोदय से एक बार आप मेरे सामने यहाँ आके बताइए कि आपने निर्देश किया था कि नहीं किया था, क्या इंजेक्शन लगे थे कि नहीं लगे थे कल बताओ मुझे। और एक फिर मैं कहता हूँ पत्रकार भाइयों से कि ये न्यूज जरूर छापना कि क्या CHA ने काम नहीं किया था, क्या हमें टारगेट नहीं मिलते थे, क्या पेशेंट के काम नहीं जाते थे, क्या हमें वार्ड में ड्यूटी नहीं मिलती थी, कहाँ नहीं ड्यूटी मिलती थी बताओ है? और प्रसाद जी मुझे याद है मेरे पास फोन आया था, एक लिस्ट आई थी, कहते जी आज आपके यहाँ सालून शहर में 8 पॉजिटिव आए हैं और जाइए। और बड़ी बरसात के अंदर ऑर्डर आता है, सिर्फ हमें तो डॉक्टर ऑर्डर देते थे जी, हम तो फिर भी भाग के जाते थे बड़ी बरसात में, और कहते थे सर गाड़ी, क्या जी गाड़ी की तो व्यवस्था नहीं है, खराब की ड्यूटी है करनी पड़ेगी, तो भाई ड्यूटी है तो हम करेंगे ड्यूटी, करते थे। आज हमारी ड्यूटी नहीं है साहब, आज हम बेरोजगार हैं, ये ड्यूटी लगाई है आपने हमारी। मैं उन डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, उन कर्मचारियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, उन आम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर हमने अगर सेवा की है तो आप हमारे समर्थन में आओ। और मैं आपको वादा करता हूँ कि ऐसे अगर हमें नौकरी मिलती है तो हम आपके वैसे ही सेवा करेंगे जैसे पहले।